ये बच्चे बिल्कुल नहीं हेल्प कर रहे आपकी सारे आइडिया आप ही के बनाते हैं। तो आप किस चीज में हेल्प करते हैं? कि गर्म पानी दे दिया ऐसे छोटी मोटी चीजें। तो मैम ये ज्यादा हेल्प ना करना फिर आप थक जाओगे ना, ये हेल्प बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चलता फिरता ढाबा नहीं है ये, सुपर मॉम की रसोई है आप देख सकते हो। क्या बात है भाई साहब। अच्छा क्विंटलों में बनाते हैं, कितना केजी में बनाते हैं साग ये? हाँ जी नमस्कार, हम कैसे? नमस्कार। अच्छा ये सबसे पहले ये बताइए, ढेर सारी भीड़ लगा रखी, कौन सी संस्था है ये? संस्था का नाम बताओ। ये सर कोई संस्था नहीं है, ये होममेड फूड है, फ्रेश मम्मा ने बनाया हुआ खुद अपने हाथों से। क्या ये बिल्कुल फ्रेश फूड है। अच्छा जी। और हम यहाँ पे साग एंड मक्की की रोटी देते हैं। अच्छा जी, तो ये मम्मा ही बनाते हैं कि आप बनाते हैं? नहीं मम्मा बनाते हैं खुद अपने हाथों से। अच्छा आप फिर हाथ नहीं बढ़ाते उनके साथ? नहीं एक्चुअली मैं हेल्प करवा देती हूँ जो ऊपर ऊपर वाला काम होता है, क्योंकि मुझे साग और मक्की की रोटी नहीं आती, लेकिन मम्मा बनाते हैं। तो आप किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कि जैसे कुछ गर्म पानी दे दिया, साग कड़ा दिया, कुछ ऐसे छोटी मोटी। तो मैम ये ज़्यादा हेल्प ना करना फिर आप थक जाओगे ना, ये हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैम बता दीजिए क्या क्या रहता है, एक बार दिखाइए खाने में क्या लेके आते हैं हम घर से। ये लो जी मक्की की रोटी। ये मक्की की रोटी है मैम? यस ये मक्की रोटी। क्या बात है भाई साहब, ज़्यादा स्पीड से दिखा रहे हैं, एक बार चला के दिखा दो साग। क्या बात, क्या क्या डालते हैं हम, क्या क्या रेसिपी रहती है? साग, पालक, हाँ जी, हरी मिर्च। अच्छा जी। तड़का लगाने के लिए? हाँ जी। लहसुन प्याज अदरक। मैम कुछ तो रहता होगा जादू, क्योंकि भीड़ तो काफी है। नहीं है? वो सारा जादू तो हम बता नहीं सकते। अच्छा तो मैम आइडिया कहाँ से आया, माइंड में स्टक कैसे हुआ, ये सोचा कैसे आप? बस ऐसे बैठे बैठे सोच लिया, मुझे शौक था बहुत टाइम से। तो चलती फिरती गाड़ी को आपने ढाबा बना दिया? हाँ जी, कुकिंग का शौक था। कुकिंग का शौक वो ऑलमोस्ट मेरा पूरा हो गया। मैम वैसे साग तो पूरी दुनिया बना रही है, साग पूरी दुनिया खिला रही है, आप क्या स्पेशल बना के खिला रहे हैं पहले तो ये बताओ। मैं देख लो स्पेशल ही खिला रही हूँ, सब कुछ होममेड बनता है ये घर पे। अच्छा जी होममेड है ना? हाँ जी। तो मैम इसका होममेड खिलाने का कारण? कारण ये बस पीजी वगैरह के बच्चे भी रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता अच्छा। हाँ जी। तो बस उनको घर का खाना खिलाने के लिए सबको, सब अच्छा। तला हुआ खाते हैं, सब बहुत पसंद कर रहे हैं ये। तो आप घर का बना हुआ खाना खिलाना चाहते हैं? घर का शुद्ध खाना बनाना, पंजाब का ऑथेंटिक खाना है ना? हाँ जी। क्या बात है। तो हम प्राइस क्या रहता है इसका? थाली 90 रुपीज। अच्छा जी थाली 90 रुपीज। हाँ जी। तो उसमें हम कितनी मक्की की रोटी आती है? उसमें दो रोटी रहती है, दो रोटी मक्की की आती है। हाँ जी। और साग मैम कैसे रिफिल भी करा सकते हैं साग अगर? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बारी जी रिफिल करा लो? जितनी बारी, दो बारी तो करा ही सकते हैं। अच्छा दो बारी रिफिल के चार्जेस नहीं है ना? बिल्कुल। हाँ जी। तो मक्की की रोटी मैम जैसे एक्स्ट्रा रिफिल करानी है तो कितने चार्जेस होंगे? वो 10 रुपीज की एक एक्स्ट्रा। वैसे थाली में दो मक्की की रोटी देते हैं? हाँ जी। तो मैम ये मक्खन आप घर में बनवाते हैं कि बना बनाए लेते हैं? ये बना बनाया मतलब घर का आता है। अच्छा घर का व्हाइट मक्खन है ये कहीं से लेते हैं? हाँ जी प्योर व्हाइट मक्खन है। क्या बात है, ये आप ऐसे भी कह सकते थे कि मैं घर में बनाती हूँ, किसी ने पता नहीं करना, पर आप सच बता रहे हैं ना? नहीं मैं सच बता रही हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। साग तो आप ही बनाते हैं ना कि साग कहीं और से लेके आते हैं? बिल्कुल, साग तो मैं ही बनाती हूँ, मक्खन रखी हुई है भैंसे वगैरह गाँव में। अच्छा वहाँ से स्पेशल मंगवाते हैं जी। तो वहाँ पर लोकल ही रहते हैं? हाँ जी मैं चंडीगढ़ में। तेज चंडीगढ़ में। तो हम खीर का प्राइस क्या है? खीर का सर खानी हो तो 30 रुपीज, पैक करवानी हो 60 100। तो पूरी फैमिली लग जाती है हम? हाँ जी। जोरो से हाँ जी, हाँ जी। हैं। जैसे जैसे फ्री होते हैं वैसे अच्छा, वैसे मेरे तो पास आ जाते हैं। वीक में कोई छुट्टी भी लेते हैं? मंडे हम करते हैं रेस्ट, मंडे रेस्ट करते हैं। बाकी ऑल डेज अवेलेबल है ना मक्की की रोटी सरसों का साग? यस। और टाइमिंग्स क्या रहती है, हम कितने बजे आते हैं? टाइमिंग 7 बजे से लेके 10 बजे तक। 10 बजे ही मतलब दीवाने कर रखे हैं आपने, स्पेशल खाने के लिए आते हैं मक्की? कई बार तो हमारा 8:30 बजे खत्म हो जाता है। अच्छा कई बार जल्दी मिलना? 9 बजे 8:30। क्या बात है, 10 बजे तक। नहीं सही बात है। गाड़ी को ढाबा बनाना की सोचा कहीं पर देखा था कहीं? नहीं कहीं नहीं देखा, बस मेरे अपने मन का आइडिया था। ये बच्चे बिल्कुल नहीं हेल्प कर रहे आपकी सारे आइडिया आप ही के बनाते हैं। फूड मेरा ही रहता है ना, फूड मैं ही बनाती हूँ, शौक मुझे ही था। बस ये आपको सपोर्ट, मोरल सपोर्ट करने आते हैं? बस सपोर्ट करते हैं ये, मुझे सपोर्ट करते हैं। पीछे से करे? हाँ जी हाँ जी। नहीं ये सपोर्ट, फुल सपोर्ट करते हैं सभी, फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ जी हस्बैंड। पर आइडिया सारे आपके हैं, गाड़ी में लेके आना, घर से बनाना, खिलाना, खिलाना सब कुछ मेरे आइडिया है। कांसेप्ट भी आईडिया, लेकिन फुल सपोर्ट जी सारी फैमिली कर रही है, पूरी सपोर्ट फैमिली कर रही है। वो तो करेंगे, इतना अच्छा आइडिया आपका। क्या बात है। तो ये मैम प्रोसेस कैसे होता है, चूल्हे का साग है कि गैस में बनाते हैं? गैस पे बनाते हैं। गैस बनाते हैं। क्विंटलों में बनाते हैं, कितना केजी में बनाते हैं साग? ये 25 लीटर का कुकर है बस यही भर के। मैम ये आपने मक्की की रोटी, सरसों का साग दिखा दिया, व्हाइट मक्खन दिखा दिया, मैम खीर भी रखी हुई है, खीर भी आपके पास? खीर भी रखी है। क्या बात है। अच्छा आपने डिवाइड कर रखा है ना एरिया, खीर का एरिया ये है। तो मैम ये भी आप बनाते हैं कि बेटी बनाती है? आप ही बनाते हैं सारा कुछ, मम्मा बनाते हैं। तो खीर में कौन सी हेल्प करते हैं आप? खीर में कोई हेल्प नहीं करती। अच्छा जी ये सारा घर का ही रहता है बनाया? हाँ जी, सब कुछ घर। अच्छा ये मैम थाली लगा रहे हैं ना? हाँ जी। इसका प्राइस रहेगा 90 रुपीज में? हाँ जी। ये लो जी इसमें कितनी, दो मक्की की रोटी? दो मक्की की रोटी। क्या बात है मैम, सैलेड पहले से डाल दिया आपने? हाँ जी। ये आज सरसों का साग गर्मा गर्म,
जो माँ के हाथ का बना हुआ स्पेशल साग। अच्छा मैम दोनों रिफिल कर देते हैं? हाँ जी दोनों में कर देते हैं। क्या बात है, हम मतलब खुले दिल से खिलाते हैं। अच्छा ये आ गया व्हाइट बटर, आ गया व्हाइट बटर, क्या बात है। 90 रुपीज की थाली आपने रेडी कर दी है? हाँ जी। बना दी है मैम। ऐसे भी रहता है पैक भी हो जाती है थाली? बिल्कुल हो जाती है जी। अच्छा जी पैक में रिफिलिंग का सिस्टम नहीं रहेगा, जो यहाँ खा रहा है वो एक दो बारी ले सकता है ना साबुन पैक में, तो जो पैक होएगा वही मिलेगा। अच्छा मैम ये बताइए कि किसी ने ये चलते फिरते ढाबे में आना हो और खाना हो मक्की की रोटी सरसों का साग, तो कहाँ पर आएगा ये बताओ? सर पहली बात तो ये चलता फिरता ढाबा नहीं है, ये सुपर मॉम की रसोई है, आप देख क्या सकते बात हो। है भाई साहब। अच्छा सुपर मॉम की रसोई है? यस। अब ये आइडिया भी मैम का था, मदर का था? नहीं ये हमने फैमिली ने पूरी बैठ के डिसाइड किया है। अच्छा ये लॉटरी सिस्टम करी हुई है ना? yes. क्या ये हमने मतलब सोच समझ के कुछ ऐसे ये हमने पूरी फैमिली ने डिसाइड किया, और ये एक्चुअली मम्मा का आइडिया है, तो मम्मा है ही सुपर मॉम। हाँ, तो इस वजह से हमने ये। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला बिजी शेड्यूल में, थैंक यू मैम। एक बार लोकेशन बता दो। लोकेशन स्टेप इन इसके सामने है, स्टेप इन किचन, स्टेप इन के सामने। हाँ जी ये चलती फिरती गाड़ी मिल जाएगी, ढाबा मिल जाएगा हमारा पंजाबी ढाबा ना, आ जाओ जिधर मक्की रोटी सरसों का साग मिलेगा ऑथेंटिक। हाँ जी। जो आपकी स्पेशल रेसिपी है खीर, खीर मिल जाएगी, क्या बात है, और व्हाइट बटर मिल जाएगा, व्हाइट बटर मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू।